गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. अगेन क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज 4A. इसे फर्स्ट वीडियो में हम इसी को सॉल्व करवा रहे थे आपको. अब आगे कंटिन्यू इसी को पढ़ते. क्वेश्चन नंबर टू का क्यू पार्ट है आपका. यहाँ आप देख रहे होंगे सी डी. डी शोज 500 और सी शोज 100. तो 500 हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो मीन्स ये दोनों डिजिट सेम एक साथ हम शो करते हैं. सी डी, सी और डी जो शो करेंगे हमारा 400 शो करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सी है. मीन्स 500 में से 100 को हम माइनस करेंगे. अब एक्स की देखिए सेपरेट वैल्यू होती है. अगेन एक्स है बिल्कुल सेपरेट. 10 एक्स 10 प्लस आई एन प्लस आई, तो आपकी वैल्यू होगी 400 प्लस एक्स मीन्स 10, अगेन 10, अगेन एक्स मीन्स 10, 1 एंड आफ्टर दैट 1, 400, 30, 31 एंड 32. आंसर विल बी 432. 400 आपको ये याद रखना पड़ेगा कि डी किसको शो करता है 500. अगेन ये देखिए फिर वही आपके पास डी लेफ्ट हैंड साइड में सी, सी मीन्स 100, तो डी 500 में से हमने 100 को माइनस करा, तो सी और डी एक साथ हम लिखेंगे. आफ्टर दैट अगेन देखिए एक्स ग्रेटर ग्रेटर या एल, एल एल के लेफ्ट हैंड साइड में एक्स है. मीन्स एक्स और एल दोनों क्या शो कर रहे हैं आपके 40. अगेन एक्स लेफ्ट हैंड साइड में आई मीन्स शोज 9. 400 प्लस एल माइनस एक्स इक्वल टू 40 और प्लस 9, 449. ओके एक और पार्ट देखिए इसी का. अब यहां देखिए आप ग्रेटेस्ट वैल्यू यहां पे सबसे अगर आप देख रहे होंगे तो m, m के लेफ्ट हैंड साइड में c, तो हमारी वैल्यू क्या होगी बताएंगे आप c m, तो वैल्यू क्या शो होगी इससे 900, क्योंकि m शोज 1000 और c शोज 100, तो 1000 में से हमने 100 को माइनस किया. अब देखिए आगे L सेपरेट है क्योंकि L के राइट हैंड साइड में X है, तो L सेपरेट वैल्यू हो जाएगी और X मीन्स टेंस सेपरेट X, सो प्लस X. अब यहां पे देखिए X लेफ्ट हैंड साइड में I क्या शो हो रहा है 9, 900 प्लस 50 प्लस 10 और 9, वैल्यू विल बी 959. आई थिंक अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. 969 ये आंसर आगा आपको 969. ओके रिमेनिंग जितने भी पार्ट है वो आपको फेयर कॉपी में अपने आप कंप्लीट करने, ये तो करने ही है जो हमने समझाए. बाकी जो आपके पार्ट रह गए हैं वो आप कंप्लीट करें, क्योंकि आज जो आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 1 आपको उस बुक में ही करना है और क्वेश्चन नंबर 2 आपको फेयर कॉपी में करना है. सीधा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ बेटा आपको रोमन न्यूमरल्स में चेंज करना है. हिंदू अरेबिक सिस्टम दिया है आपको, हिंदू अरेबिक नंबर दिए हैं और उसको आपको चेंज करना है रोमन, रोमन नंबर में आपको चेंज करना. थर्ड का ए पार्ट है आपका 5. यू ऑल आर नो वी. नेक्स्ट पार्ट है आपका बी 9. अब 9 लिखने के लिए क्या लिखेंगे हम पहले एक्स. आई कहां लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो वैल्यू हो गई हमारी 9. सी पार्ट है आपका 12. 12 फर्स्ट यू विल राइट डाउन द 12 इन एक्सपेंडेड फॉर्म. ये आपको थोड़ा इजी रहता है कन्वर्ट करने में रोमन न्यूमरल्स.
तो 12 10 प्लस 2, 10 मीन्स एक्स और 2 मतलब आई को हम 2 टाइम्स रिपीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो आपके नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू।